शक्ति अभियान को लेकर रोडवेज बस स्टैंड पर एक प्रतिष्ठित विद्यालय की छात्राओं की ओर से नुक्कड़ नाटक करते हुए जागरूकता फैलाने का काम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एएसपी की मौजूदगी देखने को मिली। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जागरूकता भरे संदेश को दिए जाने की तस्वीरें हैं। बता दें कि मिशन जागृति अभियान को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद के प्रतिष्ठित शुद्धि ग्लोबल एकेडमी की छात्राओं की ओर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मिशन जागृति अभियान के चार बिंदुओं के प्रति जागरूक करने का काम किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें कि नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास और शुद्धि ग्लोबल एकेडमी के प्रबंधक राम मोहन की मौजूदगी देखने को मिली थी। दोनों ही अतिथियों की मौजूदगी में स्कूली छात्राओं की ओर से नुक्कड़ नाटक करते हुए मिशन जागृति अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। बता दें कि मिशन जागृति अभियान के तहत प्रमुख चार बिंदु, जिसमें बालिकाओं के साथ उत्पीड़न, साइबर अपराध और अन्य मामलों में महिलाओं को घसीटना, महिलाओं और युवतियों की तरफ से परिवार वालों का दबाव बनाते हुए अनैतिक मुकदमे पंजीकृत करना, इन सब के प्रति जागरूक करना बताया गया है, जिसमें यहां सभी लोगों ने जागरूक करने का काम किया। मिशन जागृति अभियान के तहत आयोजित किए गए रोडवेज बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक में अतिथि के रूप में पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। लोगों को जागरूक किया गया एक नए अंदाज में, कैसे इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके के जो कार्यक्रम है जनपद में और कहाँ कहाँ किया जा रहा है? ऑपरेशन जागृति के तहत जैसा कि रूटीन वे में हम लोग गांव-गांव जाके, ब्लॉक पे जाके लोगों को इकट्ठा करके और उनको हम लोग ऑपरेशन जागृति के विषय में बताते हैं, इसी संदर्भ में आज एक नुक्कड़ नाटिका जो गोबर स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई थी और बहुत ही मार्मिक तरीके से जो ऑपरेशन जागृति के बिंदु हैं उनको यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे थे उनको बताया गया था। ये संदेश नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों को प्रेषित हुआ है। इसकी सफलता से ऐसा लगता है कि इस प्रकार के अन्य इसी तरह के प्रोग्राम हम और भी जनपद में अलग अलग जगह पर करेंगे।